नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने भी हाल ही में नथिंग फोन 2A बाय किया है और आज हम उसका चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस फोन को चार्ज करने के लिए मैं नथिंग का 45 वॉट का चार्जर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो अडेप्टर है ओरिजिनल है और ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी औसम है। और कंपनी का क्लेम ये है कि अगर हम इस वाले अडेप्टर से इसे चार्ज करते हैं, जो कि 45 वॉट का है, तो ये जो फोन है वो अप्रोक्स 1 आवर में पूरा चार्ज हो जाएगा। जो हमारा फोन है उसमें 1% बैटरी है। तो अब मैं जल्दी से इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं चार्जर को ऑन कर देता हूँ और साथ ही जो हमारा टाइमर है वो भी ऑन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्जिंग रेपिडली लिख कर आ चुका है और अभी 1% चार्ज हुआ है हमारा फोन, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है। तो हम 10 मिनट के बाद देखेंगे कि कितना चार्ज होता है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इसमें 5 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फोन है 5 मिनट में कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा फोन है 17% चार्ज हो चुका है। तो काफी अच्छी स्पीड हमें देखने को मिल रही है इसकी चार्जिंग की। सिर्फ 5 मिनट के अंदर 16% चार्ज हो गया, तो काफी अच्छी बात है क्योंकि 1% पहले से ही था। फोन को चार्ज करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको अब दिखाता हूँ जो हमारा फोन है कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा फोन है 27% चार्ज हो चुका है, तो काफी अच्छी स्पीड हमें देखने को मिल रही है। अब हम इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे कि कितना फोन चार्ज होता है 20 मिनट में। फोन को चार्ज करते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं हमारा फोन कितना चार्ज है। देख सकते हैं आप, 44% हमारा फोन चार्ज हो चुका है और 20 मिनट हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि ये 2% 1 मिनट में चार्ज होता है, तो काफी अच्छी स्पीड है चार्जिंग की, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और जिस हिसाब से ये चार्ज हो रहा है, तो हो सकता है 1 घंटे से पहले ही चार्ज हो जाए। टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एक्चुअल टाइमिंग क्या आती है इसकी। अब चार्जिंग को आधा घंटा यानी 30 मिनट पूरी हो चुके हैं और अब हम देखते हैं जो हमारा फोन है कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा फोन है 55% चार्ज हुआ है। थोड़ी स्पीड स्लो डाउन हुई है क्योंकि आपको पता है, जब ये 50% से ऊपर चार्ज होता है मोबाइल, तो बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो चार्जिंग में थोड़ी स्लो हो जाती है, पर फिर भी जो स्पीड है वो काफी अच्छी है। अब हमें 40 मिनट हो चुके हैं पूरे और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फोन कितना चार्ज हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा फोन है 66% चार्ज हुआ है। यहाँ पे 50 मिनट्स पूरे हो चुके हैं चार्जिंग को और अब हम देखते हैं जो हमारा मोबाइल है वो कितना चार्ज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 75% जो हमारा मोबाइल है वो चार्ज हो चुका है, सिर्फ 25% और इसे चार्ज होना है। तो 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं 1 घंटे से ज्यादा ही लगने वाला है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 1.5 घंटे से पहले हो सकता है या नहीं। तो उस चीज को चेक करने के लिए हमें इसे चार्जिंग टेस्ट को कंटिन्यू करना होगा और देखना होगा कि इसे प्रॉपर चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, यहाँ पे 60 मिनट यानी 1 घंटा हो चुका है और कंपनी के हिसाब से जो हमारा फोन अब तक चार्ज हो जाना चाहिए था, पर हम देखते हैं जो हमारा फोन अब चार्ज हुआ है तो कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा फोन है 85% चार्ज हो चुका है। तो अभी लगभग इसे 15 से 20 मिनट और लगेंगे और बाकी काफी लोगों को डाउट होगा कि ये हीट करता है या नहीं, क्योंकि 45 वॉट की चार्जिंग, तो सोच सकते हैं कि जो बैटरी है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। अभी मैं जैसे इसको हाथ से फील करके देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ इशू मुझे देखने को नहीं मिला है, कोई ज्यादा हीट नहीं करता है। जो नॉर्मल सी हीटिंग होती है चार्जिंग के दौरान, वो तो है इसमें। मैं आपको एक्यूरेट नंबर तो अभी नहीं बता सकता कि कितना हीट हो चुका है, पर थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री ये ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें 70 मिनट्स पूरे हो चुके हैं यानी कि 1 घंटा 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और देखते हैं जो हमारा फोन है कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा फोन है 93% चार्ज हो चुका है और अगले 10 मिनट के अंदर अंदर उम्मीद यह है कि जो फोन हमारा फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट नंबर मैं जब ये चार्ज हो जाएगा तभी बता पाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 80 मिनट पूरे हो चुके हैं यानी 1 घंटा 20 मिनट और जो हमारा मोबाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 98% चार्ज हो चुका है, सिर्फ 2% बाकी है। तो अब 2% के लिए हम वेट करेंगे। जो चार्जिंग टेस्ट है उसको रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने रियल कंडीशंस में से टेस्ट किया है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो मोबाइल फोन है उसमें मैंने फ्लाइट मोड को ऑन नहीं किया है। जैसे नॉर्मल आपके पास मोबाइल रहेगा वैसे ही मैंने यहाँ पे मोबाइल को प्लेस किया है और बीच में जो मैसेजेस या नोटिफिकेशन आए उनको मैंने रीड नहीं किया है। तो बिल्कुल भी मोबाइल को यूज भी नहीं किया इसके दौरान, ना कोई कॉल मैंने पिक करी है। कॉल आई है पर मैंने पिक नहीं करी है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो स्पीड है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 99% चार्ज हो चुका है अप्रोक्स 82 मिनट में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्ज लिख कर आ चुका है और यहाँ पे मैं चार्जिंग को ऑफ कर देता हूँ और जो हमारा मोबाइल फोन है वो 100% चार्ज हो चुका है। इसे पॉज करने में मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग 86 मिनट में जो आपका मोबाइल फोन है वो प्रॉपर चार्ज हो जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो बैटरी थी वो 1% पहले से थी, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अंडर 90 मिनट्स इसे आप मान सकते हैं कि काफी इजीली चार्ज हो जाएगा मोबाइल। जो कंपनी का क्लेम है वो तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।